हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एचबी ट्यूशन में आप सभी का स्वागत। तो टेंसेस आप सभी को मालूम है कि थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके जो पार्ट्स हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब हमें आना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन वही होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फोर पार्ट्स जो हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये अभी सब आपको पता चल जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले जैसे सिंपल वाले होते हैं, ये सिंपल, सिंपल में तीनों हो गए। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब तो आता है डू डस, बट उसके पॉजिटिव में सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस आता है, निगेटिव से फिर डू नॉट, डज नॉट शुरू हो जाते हैं। सिंपल पास्ट में यही चीज है कि जो पॉजिटिव होगा उसका, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट, कम का सेकंड फॉर्म केम, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ये हम यूज करेंगे ओनली पॉजिटिव में। निगेटिव अगर आ गया उसका तो यहां पे डिड यूज हो जाएगा, डिड नॉट या इंट्रोगेटिव में भी डिड। तो हेल्पिंग वर्ब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, तो आप वहां पर बोलोगे डिड। नेक्स्ट, फ्यूचर में हम क्या करते हैं? विल और शैल यूज करते हैं। इस तरीके से ये आपका सिंपल का जो सिस्टम है वो फिनिश होता है। सिंपल प्रेजेंट डू डस, सिंपल पास्ट डिड, सिंपल फ्यूचर विल शैल। फिर इसके बाद है कंटिन्यूअस। अगर यूज करोगे आप कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप यूज करते हो इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करोगे वॉज, वेयर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करोगे विल, शैल, दोनों के साथ बी लगा देना है। सिंगुलर नंबर होगा, प्लूरल नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही यूज होंगे। जैसे आई भी आ गया तो शैल भी, और बाकी अदर वर्ड्स हो गए जैसे ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नंबर का तो उसमें विल भी आ जाएगा। कंटिन्यूअस के बाद आता है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट में प्रेजेंट के परफेक्ट हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट हैड। फ्यूचर परफेक्ट विल, शैल, इन दोनों के साथ हैव यूज कर लोगे। एक और रह गया, वो है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर हम यहां पर लिखें उसके हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में आएगा हैज, हैव, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही कंटिन्यूअस के साथ बीन आ जाता है। ये डिफरेंस है इन तीनों में। हैड है तो हैड बीन, और फ्यूचर के साथ विल, हैव, शैल, हैव है यहां पर, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल, हैव, बीन, शैल, हैव, बीन आ जाती है। इस तरीके से सारे टेंस जितने भी हैं हमारे पास 12, उन सभी के हमने क्या जान लिया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी आपको बहुत कुछ मालूम हो गया टेंस के बारे में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी उसी के अकॉर्डिंग हम टेंस बनाएंगे। जैसे अब इसमें वर्ब का कौन सा यूज करोगे, वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज करने वाले हो, जैसे सिंपल वाले हैं इन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक्सेप्शनल क्या है, क्या है इसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस केस में हम नहीं यूज करते, तो अभी बताया सिंपल पास्ट का जो पॉजिटिव है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वो है सिंपल पास्ट। इसमें सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव में उसके वर्ब का यस या ईएस यूज करते हैं कब, एस या ईएस यूज करते हैं कब, सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल के साथ नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। तो इस तरीके से ये टेंस का सिस्टम है। कंटिन्यूअस किसी का भी होगा, कंटिन्यूअस किसी का भी होगा तो वर्ब में आईएनजी उसको यूज करोगे। परफेक्ट किसी का भी होगा तो
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हो। फिर आ गया लास्ट में कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के नेम से ही वर्ब में एनजी लगा देना है। 12 टेंस आपका एक चार्ट टाइप में मैंने बना दिया है, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए इंग्लिश ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ना है तो इनको जानना ही पड़ेगा। अब हर एक के एक एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का अगर तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है, कैसे पहचानोगे तुम, तो कोई भी सेंटेंस लिखा है, जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखेगी नहीं, तुम्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है और फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, समझ लेना कि यह सिंपल प्रेजेंट है। इसी को अगर मैं सिंगुलर नंबर के साथ बनाऊं, जैसे ही लगा दिया मैं, तो ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आया कि सिंगुलर नंबर के साथ मैंने यहां पर एस लगा दिया और प्लूरल था तो ओनली रहा, तो आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। मैं बोलूं आई गो टू द मार्केट बट ही गोज टू द मार्केट होगा सिंपल प्रेजेंट में, ये डिफरेंस है। इसी का निगेटिव अगर तुम बनाओगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट? बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे डू और डज। जैसे इसी का निगेटिव मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, इसी को शॉर्ट में बोल दोगे आई डोंट राइट अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर को निगेटिव में अगर मैं करूं तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, शॉर्ट में ही डजंट राइट अ लेटर। आई गो टू मार्केट को मैंने किया तो आई डोंट गो टू द मार्केट। आई प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल, ये निगेटिव में ऐसे कर लेंगे हम। तो सिंपल प्रेजेंट इस तरीके से एक ही ट्विस्ट है इसमें, उसका पॉजिटिव को लेकर के। पॉजिटिव क्या है, जहां पर एस या ईएस सिंगुलर के साथ यूज करोगे, प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो एनी हेल्पिंग वर्ब, बट निगेटिव में डू डज आ जाते हैं। अब आते हैं इसी के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ। तो इस मैं कोई सेंटेंस लू, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई के साथ आई एम यूज करते हो, सिंगुलर के साथ इज यूज करोगे और प्लूरल के साथ आर यूज करता हूं। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अगर ही होगा तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, अगर यहां पर दे होगा तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। आई है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम हो गया, सिंगुलर नंबर है तो इज हो गया, प्लूरल है तो आर हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट्स हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। इन्हीं के निगेटिव में बस नॉट लग जाता है, ये सिमिलर होते हैं, इज नॉट, आई एम नॉट और नॉट। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गोइंग टू कुलाबा, ही इज नॉट गोइंग टू कुलाबा, निगेटिव बिल्कुल इजी होगा। इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, जैसे इज ही गोइंग टू कुलाबा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इस टाइप का इंट्रोगेटिव हम कर लेंगे। फिर आता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट नाम ही होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है सर जी, अब दिमाग में ये अगर आए तो सिंपल सा ईट, एट, ईटन, ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, सी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सी, सा एंड लास्ट इज अ सीन, सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। तो थर्ड फॉर्म आप अप्लाई कब करोगे, जब परफेक्ट आएगा, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है कब, जब परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब सेंटेंस अगर हमें करना है तो आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, निगेटिव इसको बनाओगे आई हैवंट या हैव नॉट रिटन एन एप्लीकेशन, इसी को इंट्रोगेटिव बनाओगे हैव आई रिटन अ लेटर, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन। तो इस टाइप का परफेक्ट आप कर लोगे, प्लूरल है हैव,
अगर सिंगुलर होगा बाय द वे तो हैज आएगा, अगर यहां पर सब्जेक्ट मेरा सी होता तो हैज होता। पहले ही बता दें हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है ही सी इट, प्लूरल क्या होता है आई वी यू दे, बस ये दिमाग में फीड रखें। अब एक नाम है तो सिंगुलर है, बहुत सारे हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो इंग्लिश में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि दो ही नंबर्स हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, हैज बीन हैव बीन लग जाता है, तो हैज बीन हैव बीन कब लगता है याद रखें कि उसमें टाइमिंग से लेते होते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स, क्यों लगाया ये फॉर, बिकॉज ऑफ आर है, फिक्स नहीं है, सर्टेन टाइम नहीं है। अगर मैं बोलता मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग सिंस 2 o'clock हो जाता। जिस टाइम पर फिक्स है, जो टाइम सर्टेन है, उस पर सिंस का यूज करूंगा। और एग्जाम्पल, जैसे मैं 1980 से पढ़ा रहा हूं या 2000 से पढ़ा रहा हूं या 2000 से पढ़ रहा हूं या इस ईयर से ये काम किया जा रहा है, तो ये फिक्स टाइम होती है, वहां पर सिंस का अप्लाई करोगे आप। जो फिक्स नहीं है, जैसे मैं 2 दिन से ये काम करे जा रहा हूं, 2 दिन से काम करे जा रहा हूं, दैट मीन्स फॉर लगाओगे, फॉर 2 days। निगेटिव के बीच में इसमें हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट का हमने सारे टेंस के एग्जाम्पल के साथ कर लिया। हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए। जब पास्ट का आप करोगे तो पास्ट का ओनली फर्स्ट है डिफरेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसमें लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट है आई एट, 2 बनाना, मैंने 2 केले खाए, आई एट, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट, यू नो वेरी वेल। इसी को निगेटिव करूंगा तो आई डिड नॉट आ जाएगा, और ये एट से हटके क्या हो जाएगा ईट। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली जानना है इस टेंस को लेकर। सेकेंड फॉर्म ओनली पॉजिटिव में आता है, ये बात को दिमाग में रखना। निगेटिव है तो डिड आ जाता है और उसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ओरिजिनल है उसका फॉर्म। तो सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे वॉज वेयर आएगा और आईएनजी हम यूज करेंगे। सेंटेंस का मैंने तुम्हें बता ही दिया स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फिर हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हूं। हैड बीन आपको मालूम है कंटिन्यूअस आएगा जब टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स टाइम होगा, सर्टेन टाइम होगा, सिंस यूज करेंगे। फ्यूचर में विल शैल आते हैं, विल शैल कब आते हैं, आई वी के साथ शैल यूज करते हैं, अदरवाइज सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैंने आई के साथ विल भी यूज किया, मतलब श्योरिटी ज्यादा है। और आजकल शैल का यूज वैसे भी मॉडर्न इंग्लिश में करते नहीं है, तो आई विल मैंने क्यों बोला, बिकॉज ऑफ श्योरिटी ज्यादा है। तो आई के साथ भी विल आ जाते हैं, ही के साथ भी शैल आ जाते हैं, जब श्योरिटी कुछ ज्यादा हो, मैं ये काम करूंगा ही, तो उसमें शैल विल का यूज करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। नॉर्मली सेंटेंस में मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड, मैं लेटर लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। बट यही को अगर श्योरिटी ज्यादा होगी तो उसमें मैं आई कर दूंगा, आई विल कर दूंगा, तो मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज करते हैं। निगेटिव होगा तो विल नॉट, शैल नॉट इसी में, और निगेटिव का इसको वॉन्ट वर्ड आ जाता है इंग्लिश में ऐसे, तो ये विल नॉट होता है, वॉन्ट नहीं होता, वॉन्ट होता है, वॉन्ट इन द सेंस विल नॉट। तो इस तरीके से टेंस आपको रिवाइज करना है, सारे टेंस के सभी सभी 3-3 सेंटेंस इसके लिख लेना है। आपको डाउट हो तो इसी के नीचे कमेंट्स में लिख देना है कि सर ये टेंस में मुझे डाउट हो रहा है या इस सेंटेंस में डाउट हो रहा है, इसको फिर से बता दीजिए, तो वो वीडियो फिर से मैं एक बना दूंगा। ओके।